सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी विद सुधीर और हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर है फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, इन सभी की बात करेंगे। और क्योंकि ये जो चैप्टर है वो एनटीएससी के अंदर आता है या फिर आपका जो बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर नहीं आता, और एक कारण है इसका कि आप पीटी के अंदर आप कर सकते हैं। और बात करें एनटीएससी के अनुसार, एनटीएससी के अनुसार ये दो नंबर का जो क्वेश्चन है वो इसमें से आता है, मतलब 1-1 मार्क्स के आपको दो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब हम किसी बिना टाइम वेस्ट किए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में मैं बात करूं तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर, सिर्फ इंडिया की बात करेंगे, इंडिया के अंदर की जो बायोडाइवर्सिटी है या वो काफी ज्यादा अधिक है, रिच बायोडाइवर्सिटी है। अब कैसे है वो देखिए, हमारे पास ये रीजन है, इस पे हम अलग अलग प्रकार के, मतलब काफी ज्यादा जो एनिमल्स है वो रहते हैं, काफी ज्यादा जो प्लांट्स है वो मिलते हैं, और अलग अलग स्पीशीज के हैं सभी के सभी। ये क्या है कि अलग अलग स्पीशीज के हैं सभी के सभी, इसलिए यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमें अधिक देखने को मिलती है। एक चीज तो ये है कि यहाँ पे मैं बात करूं छोटे से छोटा जो बैक्टीरिया है, स्मॉल से लेकर, मतलब स्मॉल एनिमल से लेकर जो बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं लाइक एलिफेंट है या जो व्हेल है, वो सभी के सभी यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, और ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं हमारा, कि हमें जीवित रहने के लिए हमें वाटर की भी आवश्यकता होती है, और वाटर की भी है, फूड की भी है। फूड हमें कहाँ से मिलेगा, जब हम जो फसलें हैं, जो क्रॉप्स हैं उनकी कल्टिवेशन करेंगे, और कल्टिवेशन कहाँ होगी, लैंड पे होगी। वाटर हो गया, एयर है और फूड है, इनकी हमें आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से कोई ना कोई एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से। एक टाइप से मैं कहूं कि जो चैन सिस्टम है वो चल रहा है। चलिए आज बात करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, अब एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया ह्यूमन का हम है। अब क्या किया, फ्लोरा और फोना इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो वनस्पति है या फिर जो फ्लोरा जो फोना है, पशु है और जो वनस्पति है उसकी बात करेंगे, वेजिटेशन की। देखिए एक सिंपल ही चीज मैं आपको डिनोट कर दूं कि फ्लोर के अंदर एफ ये दो चीज आते हैं, फ्लोर ऐसे लिखते हैं फ्लोर, क्योंकि फ्लोर के अंदर क्या आ गई हमारी, फ्लोरा होता है फ्लोर और फोना होता है लास्ट में ए आता है, तो ये है एनिमल। इनकी बात करेंगे, फ्लोरा प्लांट्स है एक टाइप से, और फोना है वो है एनिमल्स। चलिए 1% टोटल स्पीसीज है वर्ल्ड की हमारे पास अवेलेबल है, इंडिया के अंदर 1% जो स्पीसीज है पूरे वर्ल्ड की वो अवेलेबल है। मैं पॉइंटों के अंदर मैं बात करूं तो 1.6 बिलियन या 16 लाख हमें जो स्पीसीज है वो देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं 81,000 स्पीसीज ऑफ फोना, जो फोना की जो स्पीसीज है वो है हमारे पास 81,000, और वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बात करूं तो 6.5% है वो अवेलेबल है हमारे पास। देखिए ये डाटा आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, वो आपसे एनटीएससी के अंदर यही चीज पूछेगा कि कितने परसेंट वर्ल्ड की जो फ्लोरा है या फोना है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, 47,000 स्पीसीज है वो फ्लोरा की है हमारे पास, और 15,000 जो स्पीसीज है वो केवल इंडिया के अंदर ही मिलती है। ये बात भी आप याद रख सकते हैं, पॉइंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए 47 जो स्पीसीज है वो हमारे फ्लोरा की है, और मतलब अकेले 15,000 जो स्पीसीज है वो इंडिया में मिलती है, इसके बाहर, इंडिया के बाहर वो नहीं मिलती। और ये वर्ल्ड का 7% है, वर्ल्ड का 7% है, ये थी हमारी। चलिए 10% जो वर्ल्ड जो फ्लोरा है और 20% जो मैमल्स है वो अब लुप्त होने के कगार पे है, कि अब उनको वो मतलब किसी कारणवश से, या तो उनका जो क्लाइमेट है वो सूट नहीं कर रहा उनको, या फिर किसी न किसी प्रकार से उनकी जो स्पीसीज है वो कम होती जा रही है। जैसे मैं बात करूं हंटिंग की है, या फिर जो फॉरेस्ट रीजन है वो लगातार कम होते जा रहे हैं। ये इन कारणों की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो स्पीसीज है वो लगातार कम होती जा रही है। 10% तो क्या होगी हमारी जो वर्ल्ड फ्लोरा है,
जो वन्य जो सॉरी जो फ्लोरा है, जो वनस्पति है हमारी, वो कम होती जा रही है, वेजिटेशन है वो लगातार कम होती जा रही है। 10% 20% है जो मैमल्स है, जो बच्चों को जन्म देती हैं वो भी लगातार कम होती जा रही है 20%। देखिए इसके कोई कारण नहीं है, वो कारण मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी है, चीता है, डक है, ये पिंक है, डक है। अच्छा, और फिर क्या करते हैं, जो माउंटेन जो कोयल है वो भी, और यह और जो आउल की मैं बात करूं कि ये एक उल्लू होता है और जिसके ऊपर लाइनिंग लाइनिंग सी देखने को मिलती है, स्पॉटेड मतलब धब्बे टाइप में दिखाई देता है, तो ये भी फॉरेस्ट में ही देखने को मिलता है। ये थी हमारे एनिमल्स की, जो मैमल्स है उनकी बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं कुछ जो स्पीसीज है, जैसे ग्रास की स्पीसीज है या फिर वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड जो वेजिटेशन है उनके बीच जो समाप्त है वो होती जाती है। जैसे मुहा का एक पेड़ होता था जब हम छोटे थे, उस टाइम हमने देखा है मुहा, वर्ल्ड मुहा जिसको बोलते हैं अब हम किताबों के अंदर, वो और एक हुब्रिड एक स्पीसीज है ग्रास की, वो भी लगातार समाप्त हो रही है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सी जो स्पीसीज है ग्रास की वो समाप्त हो रही है, तो आप आसानी से बता सकते हैं ये लगातार क्या है कि कम होते जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि लगातार ये कम होते जा रहे हैं, तो इसके लिए एक काफी ज्यादा चिंता की बात बनी पूरे विश्व के सामने। और जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर में अर्थ समिट के बारे में पढ़ाया, तो उसी तरह इसने क्या किया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, इसके लिए हमें एक नेचुरल रिसोर्स एक यूनियन बनाई, एक इंटरनेशनल एक यूनियन बनाई जो कंजर्व करेगा जो नेचर है उसको और नेचुरल रिसोर्स को जो कंजर्व है वो करेगा। और उसने क्या किया, अलग अलग जो पार्ट्स है वो बनाए और इन पार्ट्स के अंदर की जो स्पीसीज है अलग अलग टाइप्स की जो स्पीसीज है उनको डिवाइड किया गया। और ये पार्ट टू के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी स्पीसीज है और उनके इंपॉर्टेंट क्या है। नॉर्मल स्पीसीज है, एंडेंजर स्पीसीज है, एजेंट स्पीसीज है, एंडेमिक स्पीसीज है, रेयर है और वल्नरेबल स्पीसीज है। वेंडरेबल जो स्पीसीज है वो आती है इसके अंतर्गत, ये छह इसने स्पीसीज को अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। इन सभी की बात करेंगे हम अगले पार्ट्स के अंदर, सेकंड पार्ट्स के अंदर। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो। और ऐसे ही वीडियो एनटीएससी के लिए हम लेके आते रहते हैं। एक चीज और बता दूंगा आपको कि एनटीएससी की जो मैथ की जो क्लासेज है वो देखने के लिए मैंने नीचे एक लिंक दिया गया है एक चैनल का, आप उस पर क्लिक कीजिए, मैथ की जो एनटीएससी की जो क्लास है वो उस पर देख सकते हैं। थैंक यू।